press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल किंग इन शॉर्ट टेक किंग। सो आज का मेरा यूट्यूब वीडियोस का टॉपिक ये है कि काइन मास्टर में वीडियो लेयर कैसे ऐड करते हैं। जैसा कि मैंने भी बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश की थी लेकिन मेरे में भी ऐसा कुछ बता रहा था कि वीडियो लेयर डबल है तो मेरा भी बैकग्राउंड चेंज नहीं हो पा रहा था। सो मैंने बहुत जगह पे सर्च किया, ट्राई किया लेकिन मुझे कई YouTube वीडियोस में लोगों ने अपलोड किया कि आप ये प्रो ऐप डाउनलोड करिए, एक्स मोड ऐप डाउनलोड करिए, लेकिन सब ऐप से मैंने ट्राई करके देख लिया लेकिन किसी भी ऐप से वो हुआ नहीं। लेकिन मैंने खुद से कोशिश की अपनी और एक इजी ट्रिक लगाई तो वो मिनटों में हो गया बिल्कुल आसानी से। सो वो आप काइन मास्टर प्रो ऐप से ही चेंज कर सकते हैं, आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि 90% लोगों का काइन मास्टर में वीडियो लेयर ज़रूर ऐड। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ कि लोग कम वीडियो को देखना पसंद करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आप अगर सच्ची में चाहते हो कि आपकी वीडियो लेयर ऐड हो जाए काइन मास्टर में तो आप मेरे वीडियो को एंड तक वॉच करें। सो आपको मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप हर कोई अपने काइन मास्टर में वीडियो लेयर ज़रूर ऐड कर सकेगा और बैकग्राउंड चेंज कर सकेगा। सो मैं आपको पहले प्रूफ के तौर पर दिखाना चाहूँगा कि मेरे काइन मास्टर में वीडियो लेयर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। सो जैसा कि आप यहाँ प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं, वीडियो लेयर ऑप्शन के नीचे यहाँ नीचे दिखा रहा है नॉट सपोर्टेड। सो मैं इसको अब सपोर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। सो वीडियो लेयर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे काइन मास्टर में सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। सो उस सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना होगा। सो यहाँ पे मेरा दिखा रहा है कि नॉट सपोर्टेड। सो वीडियो लेयर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ करना होगा तीन डॉट्स जो हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा रन एनालिसिस नाउ का ऑप्शन, तो उस पर आप ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो रन एनालिसिस नाउ होने एनालिसिस होगा, फिर आपके तीन से ये एनालिसिस होने में कम से कम 3 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। सो मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। सो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे थोड़ा पॉज करना चाहूँगा, मैं बस टाइम की वजह से पॉज करना चाहूँगा और कोई रीज़न नहीं है मेरा पॉज करने का। सो दोस्तों, यहाँ मेरा एनालिसिस पूरा हो गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा वीडियो लेयर का ऑप्शन अब शो कर रहा है। सो यही कुछ सिंपल ट्रिक है, आपको बस आजमानी है। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये हर किसी के मोबाइल में वीडियो लेयर ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था। मैंने हज़ारों यूट्यूब पे वीडियोस देखे, कई ने ये बताया कि आप फलाना ऐप डाउनलोड करो काइन मास्टर के, ये करो वो करो, लेकिन किसी भी ऐप से मैंने ट्रिक कर लिया नहीं हुआ। कई के मोबाइल में हो जाता है लेकिन हर किसी के मोबाइल में वो नहीं होता है। सो मैं आपको यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करके मैं दिखाना चाहूँगा एक प्रूफ के तौर पर। मैं सबसे पहले मीडिया में जाऊँगा, बैकग्राउंड लूँगा। बैकग्राउंड लेने के बाद मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे यहाँ मीडिया का ऑप्शन यहाँ शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ वीडियो ऐड कर सकते हैं और बैकग्राउंड लेयर बना सकते हैं। सो अब मैं एक ले लेता हूँ, इस पे जाना है, फिर क्रोमा की कहीं ऑप्शन आ गया है उस पर इनेबल करना है। सो मैं अब आपको वीडियो स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हट गया है। सो यही कुछ सिंपल स्टेप्स हैं आपको करने हैं। सो आई होप दैट कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम लाइक ये कुछ वीडियो होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए और मेरे लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद कैसा लगा आपको मेरा वीडियो और आपके में वीडियो लेयर आया कि नहीं। ओके, थैंक यू।